हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी सी फिश। दिस इज़ फिश इन ब्लैक बीन सॉस और साथ में मैं बनाऊंगी स्टीम राइस। वो तो बहुत आसान है, राइस को चढ़ाओ राइस बन जाते हैं। और मैं बनाऊंगी एग नूडल्स। तो ये है आज का मेन्यू। आज चाइनीज़ खाने का बहुत मन हो रहा था और बाहर से लाने के बजाय मैंने सोचा घर पर ही कुछ ट्राई किया जाए। आपको पता ही है, अगर आप मुझे जानते हैं, मेरे ब्लॉग्स बहुत टाइम से देख रहे हैं और अर्जुना के ब्लॉग्स देख रहे हैं, तो आपको पता है कि मुझे चाइनीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, चाइनीज़ खाना। और मैंने सोचा थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए दोबारा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी फ़िश का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मुझे जो दिखी और जो मुझे लगा कि चाइनीज़ कुकिंग में अच्छी होगी, लगा मुझे, आई एम नॉट श्योर, आज बताऊँगी आपको, तो मैंने वो फ़िश उठा ली है। बेसिकली मैंने पढ़ा था कि वाइट फ़िश जो होती है वो चाइनीज़ कुकिंग में ज़्यादा यूज़ होती है और वो बहुत टेस्टी भी होती है, तो वाइट रंग की मुझे ये मिली। और भी थी दो तीन, बट मैंने ये उठाई। सो आज देखते हैं कैसे बनती है। फ़िश को मैंने पीसेस में काट लिया है और अब इसको थोड़ा सा एक बार मैं पानी से निकालूंगी और बहुत हल्के हाथों से इसको मैनेज करना है। अब इसमें मैं डालूंगी ये ब्लैक पेपर, इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा, मतलब इसी के अंदर जब घुमाते हैं तो वो कोर्स पेपर बाहर निकलती है। थोड़ा सा पेपर, सॉल्ट और जिंजर जूस। ये डल गई है पेपर, अब डलेगा सॉल्ट। और अब फ्रेश जिंजर जूस, मतलब जिंजर को कद्दूकस करके उसको दबाएंगे तो सारा रस उसका निकलेगा, तो थोड़ा सा जिंजर जूस। ये अब जिंजर मैंने कद्दूकस कर ली थी, इसको अब थोड़ा सा जैसे मैं हाथ में लेके, ये देख सकते हैं आप, जिंजर का जूस निकल रहा है अच्छे से। इसको हल्के हल्के हाथों से अच्छे से कोट कर देंगे। बेसिकली वो फिश की एक रॉ स्मेल सी भी चली जाएगी क्योंकि जिंजर थोड़ा डोमिनेंट फ्लेवर हो जाएगा। मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये मैंने अच्छे से फैला के डाला है, इसको हम कोट कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से इसको करिए आप कोट। ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ कि वो टूटने की कगार पे है फिश। मुझे सी फूड काफ़ी पसंद है और मुझे उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मज़ा आता है, तो आज हम ये बना के देखते हैं। अगेन इंस्पायर्ड बाय माय चाइनीज़ फ्रेंड्स, मोस्टली वो बाहर से मंगवाते हैं ऐसी चीज़ें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर पे कुछ ऐसा बने। जब इंडिया में भी थे तो फ़िश इन ब्लैक बीन सॉस, फ़िश इन गार्लिक सॉस खाने में बहुत मज़ा आता था, पर वैसा स्वाद यहाँ मिला नहीं है आज तक। तो मैं कोशिश करूँगी आज की उतना टेस्टी ही बने कुछ। अब इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, तब तक हम अपनी सब्जियाँ और सब तैयार कर लेते हैं। बेसिकली चाइनीज़ कुकिंग का ये कि फटाफट बनता है सब कुछ, तो सारे इन्ग्रीडियंट्स जो है वो पहले से ही रेडी रखने पड़ते हैं, फिर एक ही वॉक में सब ऑलमोस्ट फटाफट बन जाता है। तो ये हो गई है हमारी फ़िश मैरिनेट। ये मैंने गार्लिक चॉप कर लिया है चार बड़े, इनफैक्ट चार बड़े एक छोटे, और ये थोड़ा बहुत जो जूस मैंने निकाल दिया था जिंजर का वो, और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी जिंजर मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ रेड चिलीज, मीडियम हीट वाली है ये, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो इनको मैं स्लाइस करूँगी, और स्प्रिंग अनियंस को। तो ये है रेड चिलीज़ लंबी मीडियम हीट वाली, इनके बीज मैंने निकाल दिए, और ये है स्प्रिंग अनियन, ये है गार्लिक, और ये है वो जिंजर जिसे मैंने जूस पहले निकाल लिया था, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने जिंजर और किया। तो अब शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ब्लैक बीन का पेस्ट मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये ली है मैंने प्रिजर्व ब्लैक बीन्स इन चिली ऑयल, ऑलरेडी इसमें चिली है, तो मैं थोड़ा
रेड चिली जो है इसलिए मैंने उसकी सीड्स हटा दी थी बिल्कुल। तो पेस्ट बनाना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, नहीं तो इसको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हो। अगली बार इंडिया से वो पेसल एंड मोटर लेके आएंगे जिसके अंदर मतलब वो आप कूट सकते हो चीज़ें, अर्जुना को भी उसमें डालेंगे। मुझे कूटना चाहती है, तुमने जो आज रील बेबी पोस्ट करी है उसका तुम्हें कूटना ही चाहिए। नो ये नो गलती है मेरे मुंह से निकल गई। ये भी कर सकते थे उसके बाद, अरे मेरे मुंह से निकल गई, बट मजेदार रील है, उसमें एक्सप्रेशन दोनों के इतने सही है। ऑब्वियसली मेरा बेटर है, बट चलो तेरा बेटर नहीं, मेरा एक्सप्रेशन अच्छा था भाई जिसने वो रील देखा। हां कंपैरेटिवली आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें तो अच्छा ही था। कुछ मत बोल खुद भाई, आप वो वाली रील देखो इंस्टा पे जाके, ठीक है? और आप बता देना दिव्या और मेरे एक्सप्रेशन में से किसका बेटर है। लग रहा है प्याज भी डालते हैं इसमें, थोड़ा रेड अनियन जो नॉर्मल अनियन होता है छोटा छोटा करके चॉप करके, आई एम गोना ऐड दैट एज वेल। स्प्रिंग अनियन का एक अलग फ्लेवर होता है और नॉर्मल प्याज का एक थोड़ा सा अलग। तो ये है प्याज छोटे छोटे एकदम बारीक कटे हुए, दिस इज जस्ट वन अनियन, ये है ब्लैक बीन पेस्ट। मतलब आई एम प्रिटी श्योर अब हर जगह इंडिया में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ये मुझे याद है कि मैं जब भी सुपर मार्केट्स में जाती थी तो ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो दिस इज ब्लैक बीन पेस्ट। सबसे पहले ऑयल, अब मैं डालूंगी जिंजर, अब इसमें जाएगा ये जो व्हाइट स्टेम पार्ट है, ये स्प्रिंग अनियन का जो हल्के हल्के ग्रीन वाले होते हैं ना ऊपर की तरफ, ये मैं बाद में डालूंगी एंड में एक क्रंच फैक्टर के लिए, बट नीचे वाला व्हाइट पोर्शन मैंने डाल दिया। अब मैं डालूंगी गार्लिक, अब मैं डालूंगी एक टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा ब्लैक बीन, अब मैं डालूंगी एक कप पानी, ये बड़ा कप है मेरे पास भर के पानी, ऑलमोस्ट 250 ml, अ लिटिल मोर देन दैट। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ क्योंकि अभी ये थिक हो जाएगा तो करी ज़्यादा करने के लिए हल्का सा, वैसे हल्का सा बहुत कम करी वाला ही रहता है। अब आप देख सकते हैं कि पानी बॉईल हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा लो कर दूँगी, फिश के पीसेस डालना शुरू कर दूँगी। अब इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा स्टर करूँगी और गैस थोड़ी बढ़ा दूँगी मीडियम फ्लेम पे। ये ग्रेवी आप देख सकते हो कि अपने आप थोड़ी सी थिक होती जा रही है क्योंकि इसमें जो फिश थी उसमें हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करी थी, तो इसको थोड़ा सा धीरे कर देती हूँ। साथ ही मैंने चावल चढ़ा दिए, इसको भी ऑन कर देते हैं। फिश का हाल देख लेते, स्मेल्स नाइस। आज मैं एक और चीज़ लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारी मतलब चाइनीज़ कुकिंग में बहुत कॉमनली यूज़ होती है और इसका नाम है चाइनीज़ कुकिंग राइस वाइन, शाओशिंग बोलते हैं इसको, बट बेसिक टर्म्स में चाइनीज़ कुकिंग राइस वाइन। तो इसको बहुत थोड़ा थोड़ा यूज़ होता है ये, बट इसका एक बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर आता है, तो पिछली 3-4 रेसिपीज जो मैंने बनाई उसमें मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आज मुझे दिख गई तो मैंने उठा ली। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलती है और ये आप नहीं डालना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली स्किपेबल, अवॉइडेबल, कोई बात नहीं, आप मत डालें, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा अब मैं नमक डालूंगी, मैंने ऑलरेडी उसको सीजन करते हुए फिश को नमक डाला था तो हाथ रोक के ही डालूंगी। अब मैं डालूंगी ये चिलीज, ये मैंने आधे से भी कम थोड़ा सा छोड़ दिया, अभी मैं आधा ही डालूंगी आज, पहले एक बार डाल के देखते कैसे बनते हैं। और लास्ट स्टेप, ये जो स्प्रिंग अनियन हमारे पास बचे थे ये अच्छे से धुले हुए हैं, इसको बस डाल दिया मैंने। इनफैक्ट आप चाहते हो तो इसको बीच में से तोड़ भी देना, मुझे लग रहा है अब ज़्यादा बड़े आएंगे।
कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है रेड और ग्रीन। बस अब हम स्टोव कर देते हैं अपनी बंद, क्योंकि फिश बहुत देर से पक रही है और वो अब टूटना शुरू हो गई है। सो आई एम जस्ट गोना टर्न इट ऑफ। और मैंने तो चिली सॉस में लिया है ब्लैक बीन। अगर आपको नॉर्मल ब्लैक बीन पेस्ट मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हो, वो इवन बेटर है क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पाइस कंटेंट ज़्यादा होता है। बट आई लाइक स्पाइसी, यू माइट नॉट। तो अगर आपको नॉर्मल ब्लैक बीन सॉस मिल जाए तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, सॉस नहीं पेस्ट। तो ये मैंने ले लिया है फाइन एग नूडल्स। ऐसे यहाँ पे होल व्हीट नूडल्स भी मिलते हैं और नॉर्मल नूडल्स भी मिलते हैं, तो मैं होल व्हीट भी लाई हूँ और एग वाले भी लाई हूँ, तो आज मैं बनाऊँगी एग। शुरू करते हैं। मैंने काट लिया है बहुत सारा स्प्रिंग अनियन और नॉर्मल अनियन, और ये है बॉक चॉय। आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कैसा दिखता है ये। हाँ सॉरी, पाक चॉय पता नहीं, मैं तो बॉक चॉय लगता था, बट एनीवे दिस इज पाक चॉय। और ये चाइनीज डिशेस में बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो मैं ये भी ले आई थी। वैसे ब्रिटिश पाक चॉय है और इसको मैंने काट लिया है। इसमें एक बहुत अच्छा सा क्रंच आता है जब इसको हम डालते हैं डिशेस में, तो आई एम गोना यूज़ इट इन माय एग नूडल्स। एग नूडल्स इसलिए कि है वो वेज ही, बट जो कंटेंट है नूडल्स के अंदर वो है एग। तो शुरू करें। इसके अलावा बहुत सारा गार्लिक और साबुत लाल मिर्च भी चाहिए होगा। अब ये उबलते हुए पानी में मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसके अंदर मैं एग नूडल्स के नेस्ट डालना शुरू करूँगी। जैसे ही मैंने ये एग नूडल्स डाले, इसके ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स के बाद मैंने ये गैस बंद कर दिया है। अब इसको मैं 3 to 4 minutes इसी में रहने दूंगी और फिर इसको ड्रेन कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं इनको रखना है, आल डांटे जैसे बोलते हैं, ऑलमोस्ट डन बट नॉट डन, उतने स्टेज तक मैंने इसको निकाल लेना है और ठंडे पानी से इसको धो देना है। तो ये जो नूडल्स है ये मैंने ठंडे पानी से निकाल लिए और ये बहुत ही अमेजिंग से पतले पतले हैं। एक चम्मच तेल, तोड़ नहीं रही हूँ मैं इनको, एक्चुअली एक तोड़ देती हूँ। ये डाला मैंने लहसुन, इसको आप चॉप करके भी डाल सकते हैं एकदम छोटा छोटा, और साथ ही में मैं डालूंगी प्याज। स्प्रिंग अनियन के वाइट वाले पार्ट मैंने डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगी पाक चॉय। मैं और कोई सब्जी नहीं डाल रही हूँ, बहुत बेसिक से नूडल्स बन रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, नूडल्स में भी नमक है क्योंकि मैंने नमक वाले पानी में उबाला था, तो हाथ रोक के थोड़ा। फिर मैं डालूंगी सोया सॉस और विनेगर। मैं इसमें चिली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने रेड ब्रोकन चिलीज बहुत डाली हुई है, बट अगर आप चाहते हो तो चिली सॉस भी डाल सकते हो, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्पाइस यू वॉन्ट। अब इसमें हम डालते हैं नूडल्स। मैं थोड़ी सी डाल ही रही हूँ। पहले ही डाल दो तो अच्छे से मिक्स होएगा। और स्टोव बंद। ये तैयार है एग नूडल्स विदाउट द एग दो। ये है अर्जुना की प्लेट और मैं अभी सिर्फ राइस और ये खाऊंगी और शाम को नूडल्स खाऊंगी। एक और तरीका है फिश को बना के रखने का,
वो है कि आपने सबसे पहले फिश ली, उसको पीसेस में किया, उसके ऊपर नमक, काली मिर्च, एक टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर तो डाला ही है, और साथ में हमने जिंजर भी डाल दिया, जिंजर का पानी। अब आप इंस्टेड ऑफ उस सारी ग्रेवी के अंदर बनाने के बजाय आप पहले ही फिश को फ्राई कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपने एग वाइट भी डालना है उस बैटर के अंदर, और अच्छे से उसको कोट करके, कॉर्नफ्लोर में कोट करके, फिर उसको आप डीप फ्राई करेंगे, और जैसे फिश के पकोड़े होते हैं ना, वो बन जाएंगे, फिश के फ्रिटर्स बन जाएंगे। तो आप उसको निकाल के रख सकते हो और उसको अच्छे से क्रिस्प कर लेना, और उसके बाद एंड में जब वो पूरी ग्रेवी तैयार हो रही होगी, जहाँ पर मैंने फिश डाली थी वहाँ पर आप वो वाली फिश, फ्राइड फिश डाल सकते हैं, और उसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अगर आप रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ये वाले मेथड से ट्राई करें बनाने की, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स की कैसी बनी है। और एक और बात ये है कि ये जो ब्लैक बीन सॉस है, इसका बहुत ही अलग एक फ्लेवर होता है, ज़रूरी नहीं है वो सबको पसंद आए, जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा लेकिन अर्जुना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो अर्जुना ने खाया भी नहीं, बट एनीवे मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर। तो ओनली इफ यू आर श्योर अबाउट द फ्लेवर्स ऑफ ब्लैक बीन, अगर आपने पहले भी खाया हुआ है, सिर्फ तभी बनाइएगा।